गाइस, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अक्सर मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। और वो ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश लिख भी लेते हैं, बस इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो आज की ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके रखिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी किसी नई चीज को सीखना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि देखना, सुनना और समझना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है या फिर कोई लड़का लड़की कोई भी है, अगर उसको सिलाई सीखना है तो वो टेलर मास्टर के पास जाता है, जाती है और देखता है, देखती है कि सिलाई कैसे की जा रही है, इसके बाद कटिंग कैसे की जा रही है। जहां पर उसको समझ में नहीं आता वो पूछता है, पूछती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले उसने ऑब्जर्व किया, चीजों को समझा, देखा और सुना, फिर जब उसके दिमाग में समझ में आ गया कि कैसे होता है ये काम, फिर उसने प्रैक्टिस किया, यानी वही चीज उसने दोहराई। पहले देखा, उसके बाद कॉपी किया, देखा और कॉपी किया, देखा और कॉपी किया। इसी तरीके से कुम्हार का बच्चा मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं वो खुद नहीं बनाने लगता, पहले वो देखता है कि उसके घर वाले, उसके जो गार्जियन, उसके पापा हैं, उसके चाचा, जो भी मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, पहले वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। मिट्टी की जो है, मिट्टी को गीला करके पहले उसकी लोई बनाई जाती है, उसके बाद उसको चार पर रखकर घुमाया जाता है, किस तरीके से अलग अलग टेक्निक होती है अलग घुमाने की, अलग अलग बर्तन को बनाने के लिए। तो पहले उन चीजों को देखता है, समझता है, सुनता है और फिर वो कॉपी करता है, यानी कि वो भी वैसे ही करता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक छोटा बच्चा जब अपने घर में अपने बड़े सदस्यों को बोलते हुए सुनता है तो पहले वो ऑब्जर्व करता है कि क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। बुलाते हैं बच्चे को, बाबू आ जाओ दूध पी लो, बाबू आ जाओ बिस्कुट खा लो, तो देखता है पहले क्या कहा जा रहा है। अच्छा अच्छा, हमें बुलाया जा रहा है, बिस्कुट ले रहे, चलो चलो चलो। बात को समझता है, पहले वो ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो ऐसे ही रिएक्ट करता है, फिर धीरे 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 वो चीज़ें जब उसके दिमाग में घुस जाती हैं, ऑब्जर्वेशन सारा वो कर लेता है, फिर वो कॉपी करता है, यानी कि वही बोलने की वो कोशिश करता है जिस तरीके से उसके परिवार के सदस्य बोल रहे। तो बिल्कुल यही काम आपको भी करना चाहिए अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है और आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो उसके लिए तो आपको पहले बेसिक नॉलेज लेनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपको टेंस पढ़ना होगा, आपको वॉइस पढ़ना होगा, आपको कंजक्शन पढ़ना होगा, प्रीपोजिशन पढ़ना होगा, जो मैं अपने इस चैनल पे पढ़ा ही रहा हूँ, तो वो तो कंटिन्यू है। बात मैं तब की कर रहा हूँ जब आपको बेसिक नॉलेज है, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि तब भी आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन आपको कैसे करना है? ऑब्जर्वेशन आप ऐसे करेंगे, आप जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जिसे आप देखना, सुनना, समझना पसंद करते हैं, उसको आप इंग्लिश में कीजिए। यानी आप मूवीज देखना पसंद करते हैं तो इंग्लिश मूवीज को इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखिए, उसका हिंदी में सबटाइटल के साथ मत देखिए। आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में ही सुनिए, इंग्लिश में ही देखिए, हिंदी में मत देखिए। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है तो जाहिर सी बात है उसको अगर आप इंग्लिश में सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उस बात में आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होने का मतलब ये उस चीज के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है, तो अगर आपको बेसिक जानकारी है तो डेफिनेटली वो चीजें इंग्लिश में आपको समझ में आएंगी। आपको अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुनिए, सॉन्ग सुनिए, वो इंग्लिश में सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। न्यूज देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो न्यूज आप देखिए, इंग्लिश में देखिए, उसको समझिए, सुनिए, देखिए और उसी तरीके से आप बोलने की कोशिश कीजिए। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, यानी लिसन आपको करना है, उसके बाद स्पीक करना है। लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इंग्लिश सीखने का। जो भी आप सुनिए उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, सुनिए, समझिए, देखिए और उसके बाद कॉपी कीजिए, यानी कि उसको बोलने की आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि आप ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद उसको बोलिए। दूसरा फॉर्मूला ये है कि एक बहुत बड़ी जो गलती हम कर रहे हैं उस गलती को हमें सुधारना होगा, वो गलती हमें नहीं करनी है। वो गलती ये है कि हमें बहुत से शब्दों की इंग्लिश नहीं आती, चलिए वो बात अलग है, लेकिन दिक्कत तो ये है जिन शब्दों की इंग्लिश हमें आती है वो भी हम नहीं बोलते। तो जो हम नहीं बोलते हैं तो वो हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में कैसे आएगा, हम कैसे बोल पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हैं, आप आलू खरीदते हैं, आपको पता है कि आलू को पोटैटो बोलते हैं, तो पोटैटो आप क्यों नहीं बोलते? आप ये कहेंगे कि जो सामने वाला दुकानदार है उसको नहीं पता पोटैटो क्या होता है, तो भैया बता दो ना, और जो सामान जो बेचता है उसको क्यों नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होता है मेरे भाई।
पता होता है सबको कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अगर नहीं पता होता है तो आप बता देंगे, आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही, उसकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। ओके अंकल जी से जाकर बोलो, अंकल प्लीज गिव मी हाफ के जी ऑफ पोटैटो, गिव मी हाफ के जी ऑफ वन के जी ऑफ टोमेटो, अंकल प्लीज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कैलीफ्लावर, उसको बोलिए। अब वो नहीं समझेगा भैया कैलीफ्लावर क्या हो, तो बता दो ये गोभी चाहिए, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि गोभी हमसे मांगी जा रही है। अपनी मम्मी से कहते हैं कि अम्मी एक ग्लास पानी दे दो, अम्मी मुझे खाना दे दो, अम्मी मुझे चाय दे दो, ये दे दो वो दे दो, तो ये सब चीज़ें आप इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं। मॉम प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मॉम प्लीज़ गिव मी कप ऑफ टी, मॉम प्लीज़ गिव मी द फूड, आई एम वेरी हैंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। उस बोलिए ना, अम्मी को बोलिए, मम्मी को बोलिए, बात उनको समझ में आई, खुशी भी होगी कि बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, लगेगा कि हाँ जो हमने पैसा खर्च किया है इसकी पढ़ाई में वो रंग ला रही है, कम से कम इंग्लिश तो बोल रहा है बच्चा, इंग्लिश बोलना सीख रहा है। पूरे मोहल्ले भर में ढिंडोरा पेड़ देगी कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची इंग्लिश बोलना सीख गई है, भले ही गलत बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, दो जो चीज़ें आपको आती हैं, जिन चीज़ों की इंग्लिश आपको आती है, उसे आपको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, और ऐसा करते 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 ये चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें जब आपके बिहेवियर में आ जाएंगी तो कैसे नहीं आपको इंग्लिश बोलना आएगा, बताइए। फॉर्मूला नंबर 3, इंग्लिश सीखने का तीसरा फॉर्मूला ये है कि आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले उन लोगों के सामने बोलिए जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, या फिर इनको जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, यानी अपने फैमिली मेंबर में जो आपसे छोटे हैं, या फिर जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं सिक्स मतलब कि थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाले बच्चे, उनके सामने अगर आप बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन नहीं होगा। अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं और उन लोगों के सामने करेंगे जिनको वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है, या फिर आपसे बड़े हैं उम्र में, समझदार काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर आप कोई गलती करते हैं आप खुद भी फील होगा कि हम गलती कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि आप गलती कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी फील होगी, छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो इसलिए इनके सामने मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस आप कीजिए, उनके सामने प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते 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 डेफिनेटली इंग्लिश बोलना आपकी बिहेवियर में आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहा है मेरे अपने खुद के लिए, मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर गया था जॉब के लिए, बीपीयू में जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, तो कई सारे इंटरव्यू मैंने दिए थे, इंग्लिश मेरी बहुत ही वीक थी, तो मैंने ये तरीका अपनाया था। अपने घर में एक बड़ा सा मतलब रहा, जहां पर मैं रूम लेकर रहता था, तो मेरे रूम में एक बड़ा सा मिरर था, बड़ा सा मिरर मतलब कि मेरी पासपोर्ट साइज इमेज उसमें आ जाती थी, तो उसमें मैं क्या करता था, ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। आपको क्या करना है कि मिरर के सामने खड़े होकर किसी भी टॉपिक पर अपने आप से बातचीत करनी है, किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, खुद ही क्वेश्चन कीजिए मिरर में अपनी इमेज को देखकर, और खुद ही उसका आंसर दीजिए। जरूरी नहीं बहुत हाई फाई टॉपिक लीजिए, आप सिंपल टॉपिक ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग करें तो अपने बारे में ही पूछने से स्टार्ट कीजिए, मिरर में आप खुद से पूछिए व्हाट इज योर नेम, और खुद ही उसका आंसर दीजिए, माई नेम इज मुहर्रम अली, व्हाट इज योर एज, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, हाउ आर यू, आई एम फाइन, and you, what is your hobbies, my hobbies are listening music, reading novels and playing chess, where do you want to go after your marriage, I want to go after my marriage to Munnar, Kerala। So इस तरीके से अगर आप भी practice करते हैं तो definitely आपको English बोलने की practice होगी, और आपके अंदर एक ऐसा confidence develop होगा कि आप कभी भी अगर English बोलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी ये native language नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके behavior में, आपकी habit में शामिल हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, डेफिनेटली आपके लिए नेटिव ही लगने लगता है। सो गाइस, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड यू कैन आल्सो यूज दिस फॉर्मूलाज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।